हाय देखा यार हमरे मास्टर एगो नई गीत का शुरुआत कर ताड़न यही प्रवेश लाल ने कोनो मरद बा मेहरारू समझावत के राजा कमा के मैं बैंक तो भर देहलो अब का जान दे ले बड़ो मेहरारू कहती है ओकर कहे के भाव बा अरे दिन भर राजा जी तू काम करे लो रतियों का तनी ना आराम करे लो जिया जिया अरे दिन भर राजा जी तू काम करे लो रतियों का तनी ना आराम करे लो अरे इतना कमा के बोलो कौन बयक में भर पाए राजा का करबो अरे इतना कमा के बोलो कौन बयक में भर पाए राजा खई बह पियो गम करी बतबे मु करबो ए राजा तबे मु पूछु करबो अच्छा बाबूजी लोग हम बिरहा गायक राम को लिया दो गाजीपुर आप लोगों के बीच में यीशु म्यूजिक की ओर से एक धमाकेदार बिरहा की प्रस्तुति देने जा रहा हूं। एक बिरहा आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में चर्चा के विषय बनकर खड़ी है। पूजनीय हमारे कवि आलोक यादव जी के देख रेख में बिरहा आरबी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होत बा। हमारा विश्वास भाई बिरहा के सुनल जाई पूरा दुनिया में बारिश डीएम ज्योति मौर्य एसडीएम जो कानून की एक रक्षक हैं, लोगों को सलाह देती है फैसला देती है और जब देश का एसडीएम ही ऐसा हो जाए तो फिर भरोसा किस पर किया जाए। आप लोगों से भोजपुरी में को हम बात कहता नहीं पहले के पुरनिया पहले के बुढ़ऊ दादा लोग कहे कि मर्द का भाग्य और औरत का चरित्र कब बदल जाएगा ये कोई जानता नहीं। तई तो बात पहले के रहल आज भी सत्य बात लेकिन आज के जमाने में इस बात को मैं कह रहा हूं कि अपना तीन चीज बिरहा सुनने वाला भैया लोग आपन तीन चीज केहू के दिया लोग मती जानतर लोग कौन कौन चीज मोबाइल मेहरारू और मोटरसाइकिल नहीं तो जमाने के लोग ये तीनों के कब डैमेज को के तो के दी हो तो के खबर ना पड़ी पछताए के पड़ी। आज जब बात पूरे दुनिया में वायरल हो गई एसडीएम की कवि जी बड़ा सुंदर भाव भूमिका में लिखलन भैया हरे नारी नारी की गरिमा हिमालय से ऊंचा क्योंकि बनते
बिगड़ी बनाती है नारी, कभी काली दुर्गा रूप धारण करके रण में तलवार तेगा उठाती है नारी, वही नारी कोठे पर अस्मत लुटा करी गृहणी बनकर सपना सजाती है नारी, कभी श्यामलाल देख लो इस धरा पर सात फेरो नारी का विशेषता कवि जी लिखल न कि नारी का अनेक रूप, कबो माई बनली, कबो बेटी बनली, कबो बहिन बनली, कबो काली बनली, कबो दुर्गा बनली। आ यही नारी का चरित्र जब खराब हो जाला ते यही एसडीएम नारी कोठा पर कब्यस्या भी बनली। बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना लगल बाबू, जैसन बिरहा का कहानी हो वैसन एक गजल हमारे श्यामलाल कवि जी बिरहा में डाल दिलन। इतने करीब बया के दगा दे गई मुझे, लेकिन बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोग बिरहा से ध्यान नहीं हटाएंगे। बड़ा सुंदर भाव बिरहा में कवि जी लिखलन हो नारी के चरित्र के देख के, कैसे अरे अध जल में जिंदगी है सुला गई मुझे, समय बिरहा का शुरुआत हो गई। मास्टर नज्म गलाई लगल प्रांत यूपी में, प्रांत यूपी में प्रयागराज
धुमन गंजा बात सुन के हिला है। आलोक मौर्या, आलोक मौर्या जो सफाई कर्मचारी है, नेक इंसान इंसान के पुजारी है। चिरई गांव, बनारस चिरई गांव की ज्योति से मुलाकात हुआ, गरीब की लड़की मिली जीवन का शुरुआत हुआ। आलोक नौकरी, आलोक नौकरी करके ज्योति को पढ़ाने लगा, जाने घर वाले दिल में सपना को सजाने लगा। बात के समझ ली भैया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इलाहाबाद जो ने इलाहाबाद के वर्तमान समय में लोग प्रयागराज जिला कहता, वही प्रयागराज जिला के अंतर्गत थाना धूमनगंज करहे वाला अशोक मौर्य आलोक मौर्या जी, थाना धूमनगंज करहे वाला आलोक मौर्या जी जो पढ़ने में लड़का तेज है, पढ़ाई कर रहा है। सन 2009 में आलोक मौर्या जी सफाई कर्मी का नौकरी पौलन है। संजोग से घूमत घूमत भाई रिश्तेदारी केहू को कहीं बा या मोबाइल से भी प्यार हो जाता, चाहे जे तरीका से बनारस कर रहे वाली बनारस शहर, जिस बनारस को हम बाबा भोलेनाथ की नगरी कहते हैं, वही बनारस में चिरई गांव का रहे वाला गरीब का बेटी जो न बिटिया का नाम ज्योति बा, ज्योति से प्यार भइल और प्यार के बाद आलोक मौर्या जी ज्योति से शादी कर लिए। शादी भइल, आज शादी करके दुल्हन बना के जब घर ले गेलन, ए भैया आखिर भाई लका यह कलन तर्जबा गीत का इशारा मास्टर कैलन हे अंजय भाई ने कौन मरद बा मेहरारू से कहता का करा तालू धनी हमके देखा ना कहो सदिया कोना सन में कहले लोग बा
कहे लाया लोकी ज्योति हमसे गरीबी में थी, मजबूरी में थी ज्योति। सपना है मेरा पति सरकारी सर्विस मैन है। कलश के राजा जी भला हम आपके कब्र छोड़ो। आखिर शादी दोनों कब रचौलन 2010 में शादिया रचौले। कुछ दिन सही में सथवानी भले दस में शादी तो हो गई, पति पत्नी दोनों एक संगे रहतड़न। लेकिन एक दिन रात में सेज पर सूतल है ज्योति अपने पति से आलोक से कहती के सिंह जी हमार मन करता रंगा हमके तनी पढ़ा देती ना। देखी जब मतलब लेबे के होला मेहरारू के ना आए मुखे बकैया से लुगा का खूटा धले से जी एगो हमार मन करता ना ज्योतिया कहतिया हमार मन को तो गिरो हमके पढ़ा देती तो हम कोनो अधिकारी बनती। कहत या उकर कहे के भाव बा देखो हो भैया जोन वादा ना करे के वो मरत रात में मेहरानु से वादा कर देलन। वादा कर दिया लोग चल ज्योति जब तुम्हारा मन है पढ़ने के लिए पढ़ाई वाला के सफाई कर्मी को नौकरी से तो कुछ हो ही ना लेकिन चल कर्जा कुआम लेके तो के हम पढ़ाई में आखिरे भैया आलोक करे का लग ले एक लाइन तर्ज बा भाई देखा जा ये मार्केट में बड़ा धुआंधार तौर बजत बा ये जौना रंग का हमार कुर्ता बा यही रंग को कोनो पहिरले बियाह में लड़की गई रह ये परवेश नहीं है कोनो चुड़ूका लड़का पहुंचल कल सकालो पियर की तनी अपन नंबर दे बू कलस की बर्दाश्त कर बाबू मिल जाई अब लड़का जनलस कितना मरवा हमके देवे करी। अब धीरे धीरे लंगे जाके लगल कर अथवा छुआ तब लैकी पियर फराक वाली कहती है का कहते मास्टर
अरे आइला हा बारात करे आके हमसे बात करे मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे तब लइकवा कहता गोरी फूला झारी गोरी फूला झारी बारू पापा के परी बारू लगलू पासारे तू तो पाप पियर खरात वाली पचक चमारा तारू आख पियर खरात वाली धुन तरज रहल यहाँ पर ध्यान ना रहे तन बिरहा पर ध्यान रहे भइल का भैया नौकरी जियान करे या परेशान करे अरे पढ़े में ज्योति के हरदम ध्यान धरे कबो कबो अपन नौकरियो छोड़ दस नौकरी पर ना जा सके ध्यान न कि मेहरारू के पढ़ावे के हम मेहरारू सरकारी नौकरी पा जाई हमर गरीबी दूर हो जाई तब अरे नौकरी जियान करे या लो परेशान करे पढ़े में ज्योति के हरदम ध्यान धरे तू ही दिल के रानी तू ही दिल के रानी बारू आखी के पानी बारू जिंदगी का तू ही बारू थी सुभर शरीर वाली जिंदगी का तू ही बारू थी सुभर शरीर वाली प्यार करके शादी किया है आलोक सोच रहा है कि मेरे लैला को कहीं कष्ट न हो जाए बड़ाई कोई करता जवान पढ़ावत अपने मेहरारू के एडमिशन कहाँ करो ले हुंगन इलाहाबाद कोचिंग में नमवाली करती है ज्योति तब हो समय आलोक कदील गदगद बा कहत रे जिया हमर रानी गजब गजब भगवान तो के बनुले हुन ते पगली हम ऐसन तो से प्यार करके बियाह कर लेली बड़ाई करत अपने मेहरारू का लोग का कहलन तू ही दिल का सपना बाड़ू जिंदगी में अपना बाड़ू तू ही दिल का सपना बारू जिंदगी में अपना
ए भैया पढ़ाई पूरी कर लेती है धीरे धीरे, समय बीतत बा। आ जब समय बीतत बा भाई मरद मेहरारू के बीच में चाहे हम होखी चाहे आप होखी केहू के बीच में अपन बातचीत होला, अपन घर परिवार का बात होला, खुश बाड़न आ लोग मौर्या जी अपने दुल्हन के व्यवहार और चरित्र और पढ़ाई के देख के। आज फार्म पर फार्म भरा था कहीं सर्विस लग जाओ, नौकरी कहाँ लगल बा, यहाँ तर्ज बा भैया। बड़ा रंगीन गीत हमारे कवि जी डाल दल, अरे मटुकी लेके घूमे बलाई वही यही रानवा ए यादव जी। भैया लो पढ़ी लिखी जो इहो बड़ाई करते कि सैया जी हम आपका जिंदगी भर गोड़ धो के पियबे। सैया जी आप जो हमारा संगे कहले बानी ना, आपका जिंदगी में एहसान हम कबो ना भुलाई, जितना आप हमारा खाती कर्जा कैले हैं हमार नौकरिया जे ही मिल जाए ना ते ही आपको पहले कर्जा हम भर। मरद मेहरारू बतियाव तड़ तल यही में भगवान ने गौरी खुशी दे दलन, खुशी का दलन। अरे तबले भगवान दिहले जेउआ कुमरिया, आई देखा बिरहा सुने वाला भैया लोग। मरद मेहरारू खुश हुआ तबले दू गो बेटी मने दू गो लक्ष्मी, आई दोनों लक्ष्मी का नाव दोनों प्राणी का धैलन। अरे हसी खुशी बिटिया भैली आखी कहे पुतरिया, मरद मेहरारू हसी खुशी में एक हाली जुड़वा बेटी पैदा कैलन आ दोनों का नाव हसी खुशी पड़ल। आ तबले तीसर की खुशी घर में का आ गई, तबले तो भैली आई पिया से जनानवा ए सैया जी। तबले तो भैली आई पिया से जनानवा अरे सैया जी, अरे पूरा हाई देखा खुशी हो भैया घर में दूदू को लक्ष्मी का वास भैल, दूदू को बेटी भैली। आ तीसरा नंबर खुशी ई भैल कि ज्योति के एसडीएम का नौकरी मिल गई। तब भैल का भैया बिरहा में टेरी के भाव लगल, हरे सपनवा अब
नौकरी तो जरूर मिलल, लेकिन ए भैया कर्जा में तना चताइल हुवन। आलोक मौर्या जी की सोचत न कि कर्जावा कैसे जल्दी भरा जा। भइल का बाबू बिरहा में विदेशिया के भाव लगल। भैली ए सटिया ज्योति, अरे घर गुलजार भइल, कुरसी सम्हारी लगली, आलोक का गुजरिया, दिलवा कलल सवोही, अरे दिल में दफन भइल, अरे एक दिन मनीष दुबे से हलड़ली नजरिया। ए भैया परिवार के लोगन के दिल में सपना है कि कमाई तो कर्जा भरा जाए, लेकिन नौकरी कर रही है, धीरे 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 समय बीतत बा, चार पांच बरिस का समय बीत गई, कुछ कर्जा भी रही गई है। जब ये कमाए लगल ज्योतिया तो उड़े लगल, पैसावा भेजे लगल नहीं हर, ये हर और पैसा तितिर बितिर करे लगल, पीछे वाली बात के भुला गेल के सैया जी कर्जा लेके हम के पढ़ा ले। आज सरकारी कर्मचारी मनीष दुबे से नजर लड़ गई ज्योति की। आ जब नजर लड़ल, वो मनीष है कौन? पीपीएस अधिकारी, होम गार्ड मनीष दुबे जेलिया में, अरे होटल में लगी वही लखनऊ के सहरिया। पीपीएस अधिकारी होमगार्ड मनीष दुबे से चाहे जिस तरीका से मोबाइल से चाहे नौकरी में प्यार कर लेती है, अब होटल में घूम घूम कर रंगरेलिया मनावे लगल, हो भैया देखा कलजू को मेहरारू हो अगवा भइल का? तबले आलोक मौर्या रंगे हाथ पकड़ लिहले, करतारु ज्योति काहे हई धोखावा के मरिया। यह जानकारी आलोक मौर्या को जब हुई, छतिया धड़ाक से केले सो बाबू, अरे हमारी औरत जिसको कर्ज कुआम करके मैंने पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाया और आज नौकरी पा गई, तो यह गलत काम कर उतर गई है। ए बाबू आज समझावत बा ज्योति के, ज्योति ऐसा मत करो, मैं तेरे लिए क्या किया हूं, थोड़ा पीछे की ओर मुड़ कर देखो। यहां एक लाइन तर्ज भैया, देखा कौन मेहरारू से मरद कहता, मरद बा हमारा सुग्रीव शर्मानी कहता के रानी हमार मन कर देख भीमपुरा चौक पर चल जाए। मेहरारू को कहे के भाव लगे, मेहरारू को हम ना रहू हो कुछ कहतिया, पहले मरद कहले बा का कहले बा? हो जान जाता नी हम मार के तीन करे, जे दूसरा से सेटिंग करे, तो मेरा रुआ कहतिया ये नया फैशन वाली रहली का कहतिया, yeah।
दर्द रहल ध्यान भी रहा रहे भैया लोग आज समझाओ तन आलोक तो कहल जला अपन चूंकि हर कल मानी या पर कल अगर गुरही जी भी होकर बिया तो के गुर चाही ए भैया लोग देखाई समझावा तब मरत मेहरुआ का कैलस ज्योति का करतिया ज्योति तुरंत आलोक से दूरी करे अपन दिलवा के अरमान के पूरी करे मरद मेहरारू में झगड़ा होके लगले बिरहा सुनने वाला पंच लोग पछताप कर रहा है आलोक मौर्या का सोचत हन अरे जिंदगी को कमाई हमर गोइल लुटाई खाली आलोक के आवेला भूलो मत आज एक अधिकारी बन गई हो तो अपने पति को भूल रही हो कह रहा है क्या अरे ज्योति अब बहा दी ज्योति अब बहा दी अरे ज्योति अब बहा दी अखिया में पति पत्नी में झगड़ा होने लगा आखिर ये बाबू आज पति से प्यारा हो गया वह मिलनुआ मनीष दुबे भूल गई सारी बात को कलश गए आलो ज्यादा बोलोगे ना एक अधिकारी हूं तुम्हारी यह सफाई कर्मी की नौकरी खा जाऊंगी धमकाने लगी अपने पति को और अपने पति के नाम से शिकायत दर्ज करवाती है विरह का आखिरी तर्जमा भैया हई देखा जा ऐसा प्यार करे वालों के बीच में फिर अड़सा भइल बा तर्ज में कवि जी बतावत हुवन ई दोनों के बीच में कोनो में प्यार रहल हालांकि प्यार छूट गई लड़की का शादी दूसरा जगह हो गई लड़का भी कुंवारे बा एक साल के बाद मिलल उदास उदास लगतिया तब लड़कावा कहता बाते ये जान तो हर चेहरा उतरल लागे की काम कवनो तो हरो बिगाड़ा अरे मुंह खोला बतावा परेशानिया मुंह खोला बतावा परेशानिया तब कह दिया अरे बॉम्बे अरे बॉम्बे में लेके मकानिया रख
लेकिन विराह में भाव लगल हो बाबू। 7 मई के ज्योति कैली सिखाय, धूमनगंज थानावा हो गईली हाय, आलोक जिंदगी में भैली नगीनिया, आलोक जिंदगी में भैली नगीनिया, बरेली में लेके मकोनिया, बरेली में लेके मकोनिया, अरे काटो ताड़ी दूसरा से चनिया, बरेली में लेके मकोनिया, काटो ताड़ी दूसरा। विराह में पहले ही दोनों से बतौली है भैया कि मेहरारू का अनेक रूप होला। पहले दीवानी रहल, बाद में मेहरारू बनल। आयो भी देखा एसडीएमओ का बनल भैया, नागिन। नागिन बन करके अपने पति को डसना चाहती है, जा करके अपने पति के नाम से वहां थाने में, धूमनगंज थाने में शिकायत करती है कि मेरा पति झूठ मूठ में हमें बदनाम कर रहा है। विरह सुनने वाला भैया लोग भैल का मिले नहीं खे देत जवन भैली कुमरिया, सोशल मीडिया बदल सगरी खबरिया, जब बात पूरा विश्व में फैली तो धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया वाले भाइयों का। सबसे पहला जो वीडियो बनाकर डाला होगा, मैं उसके हिम्मत को, हौसला को सलाम करता हूं कि ऐसे नीच इस डीएम के खिलाफ आपने वीडियो बना करके डाला है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आ जब डलला हो भैया तबे तो आलोक मौर्या का सुनवाई होता। आज भैल का सब ही जान गई लोगवा करनिया, अरे सब ही जान गई लोगवा करनिया, बरेली में लेके मकानिया, बरेली में लेके मकानिया, अरे काटो दिया दूसरा से चनिया। इसके रहना और कारतूत को जान करके, देख करके 133 बहुएं, लड़कियां नहीं बहुएं, जो अपने ससुराल से जा करके पढ़ रही हैं। ससुराल वाले जब लोग जलन की सलाह ऐसा काम करो तड़ी सही, एसडीएम होने के बाद जब यही काम करेंगी तो 133 बहुओं को उनके ससुराल वाले पढ़ाई छुड़वा करके अपने घर बुला लिए। बताइए, धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि संभल जाना ही अच्छा होगा भैया। अपने कमाई और अपने मेहनत से अपने परिवार को जिलाइए, नहीं तो छुट्टा छोड़वा लो। आखिर भैया भाई लका बिरहा में अल्लाह का भाव लगल। आज मीडिया पर रो रहा है आलोक मौर्या और एक बात कह रहा है कि जवनी नारी के नौकरी कई के
परवली भैया मौर्या का पर्दाफाश कराने में सबसे अहम भूमिका रही है उस मनीष पांडे की दुल्हन जो है फोन के द्वारा खबर और सुराग बता रही है कि मेरा पति यहां लेकर के आपकी औरत को रह रहा है, वहां रह रहा है। और आलोक भैया, आपकी औरत मेरे भी घर आती थी और मुझे दीदी कहती थी और दीदी कह करके मेरे पेट में छुरा भोंकने का काम की है। लाख गुहार लगा रही है उस मनीष पांडे की भी दुल्हन। आखिर भैया आलोक अब न्याय का दरवाजा खटखटा रहा है। अपने औरत का चरित्र आचरण और नौकरी में घोटाला, सारी बात का पर्दाफाश किया है कि हमारी औरत एक महीने में 6,40,000 रुपया कमा करके पता न किसको दे रही है। उनका पूरा चार्ट निकलवा करके न्याय में जमा किया है जवान। और देखिए अब शासन प्रशासन क्या कर रही है। और हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहते हैं, साहब इसको सस्पेंड नहीं, बर्खास्त। अगर बर्खास्त नहीं होती है तो पढ़ लिख करके नौकरियां पा करके तमाम लड़कियां अपने पतियों के साथ ऐसा काम कर सकती है। बिरहा सुनने वाला भैया लोग खड़ी के लाइन में कवि जी के लिखे के पड़ल ऐसा नारी के चरित्र के देख के। अरे ऐसा, अरे देश में ना नारी का काज होई है,
आपके तना गुमान हो, आलो कहे सबके बनौले भगवान हो। यह कोर्ट में गई है, देखिए सरकार के ओर से क्या फैसला होता है। बिरहा समाप्त भइल, आखिरी लाइन। जय जखार गुरु जगदू लौटन की लहरे फुलवारी, गंगा सागर सुभाषमितवा रामनाथ की तैयारी, सपनवा अब धोखा।